आने वाली दशा भुक्ति अंतर पर निर्भर करता है। यदि दशा तो ठीक चल रही है, लंबी भी चलती, मान लीजिए दशा ने जॉब बता दिया, अब कोई भुक्ति ऐसी आती है जो 5, 8, 12 है ना, या इसको आगे पीछे भी आप करें तो 8, 12, 5, 12, 8, 5 है ना, 8, 5, 12, इनका सूचक बनकर सामने आए, तो फिर जॉब से जो है अपमानजनक स्थिति से निकाला जाता है, और केवल 5 और 9 आ जाए तो व्यक्ति जॉब बदल देता है, छोड़ देता है। 5, 9 के साथ यदि 10, 11 आ जाए तो ये देखने में आया है कि उसी कार्य क्षेत्र में उसको नई जिम्मेदारियां मिल जाती है, और 3, 6, 10, 11 होगा तब उसको प्रमोशन मिलेगा। तो एक पत्रिका इसमें आई है, ये देख लेते हैं। हाँ, इनका इस व्यक्ति का आप डिटेल नोट कर सकते हैं। ये 2/6/1987, 22:45 पुणे। ये दुबई में जॉब करते थे, अभी वो कंपनी बंद हो गई है, अभी इनको कनाडा से ऑफर आया है, तो क्या वहां इनका जॉब लग जाएगा ऐसा। ठीक, तो हम वापस आ जाएं इधर, जॉब लगना, अब ऑलरेडी व्यक्ति जॉब में तो है और अभी छूटा भी है, तो काफी समय से जॉब कर ही रहे थे, अब प्रश्न आया है कि जॉब आप कब लगेगा। तो ऐसे में आप सीधे जो है दो पहले छह दशा दस देखें सर। हाँ 2, 6, 10, 11 के पहले सूचक लेंगे हम। ओके ये गए सूचक को हम नोट कर लेते हैं, मैं भी लिख लेता हूं। तो 2 का है मंगल, बुध, राहु, शनि। शनि मंगल, बुध, राहु, शनि। छह का है सर चंद्र गुरु 6 का मंगल भी हो गया, मंगल शनि गुरु हो गए हैं चंद्र गुरु शनि और बुध। बुध ठीक है, 10, 10 का शुक्र है शुक्र एकमात्र जी शुक्र, और 11 का राहु शनि मंगल। ये आ चुके हैं हाँ, राहु शनि मंगल, तो हम इसको अरेंज करें तो शुरू से मंगल, बुध, राहु, राहु शनि शनि और चंद्र चंद्र गुरु शुक्र गुरु, और शनि ले लिया, बुध ले लिया, शुक्र आ गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रह सूचक बन रहे हैं हाँ जी ना। अब इसमें कोई 5 और 9 का हो है ना, क्योंकि वो 10 और 6 के नेगेट है, उसको हटा दे, लेकिन यदि वो ग्रह 2, 6, 10, 11 में से भी किसी का उपस्वामी हो तो उसको रखना है। जैसे 5 का बुध है और 6 का भी बुध हाँ है तो रखना छह का पड़ेगा, भी 9 का शुक्र है पर शुक्र 2 का भी है, रखना पड़ेगा। तो 11 का ये भी है सर हाँ, तो ये सभी हो गए। तो इस प्रकार से अब हम दशा में चले तो दशा चल रही है सूर्य की, है ना, तो सूर्य तो हमारे सूचक में नहीं है, ये बात है, सूर्य अपने सूचकों में नहीं आया है, तो सूर्य नहीं आया किसी सर भी सूर्य और हाँ केतु नहीं आए हैं हाँ सूर्य किसी भी भाव का अपना सूचक नहीं बन रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी इसी सूर्य की दशा में जॉब करते हुए इन्होंने अभी जॉब छोड़ा भी है ना, ये बात भी है। तब ऐसे में सूर्य को, अच्छा आरपी में भी अभी सूर्य नहीं दिख रहा मुझे, करंट आरपी में भी नहीं है यहाँ पर, है हाँ जी नहीं ना, तो अब सूर्य की दशा लंबी चलेगी और सूर्य की दशा में इनका जॉब भी चल रहा था, तो अब ऐसे में क्या करें कि सूर्य का नक्षत्र स्वामी कौन है उसको देख लेते हैं, वो है चंद्र, सूर्य का नक्षत्र स्वामी है चंद्र, है ना, वो हमारे पास सूचक के रूप में मौजूद है। ऐसा कब देखेंगे, जब ऑलरेडी व्यक्ति जॉब कर रहा था और अभी जॉब छोड़ा है, वो भी चलती हुई दशा में,
अगर ऐसा नहीं होता, पूछना था हाँ जी, ये रूलिंग प्लैनेट्स में दिन का स्वामी मंगल लिखा है ऐसा क्यों, जबकि कहाँ लिखा है दिन का स्वामी चंद्र, अच्छा नीचे, हाँ ऊपर सर जो लिखा हुआ है वो उनके जन्म समय के रूलिंग प्लैनेट, अच्छा जन्म समय के, हाँ इस तारीख मंगलवार को जन्म हुआ था। ओके ओके, तो अब सूर्य के बाद राहु देख रहे हम, तो राहु हमारा सूचक है ना, ये भी आ गया। तो अब भक्ति में तो, अब अंतरा में तो राहु निकल चुका है, अब आ गया गुरु, निकल चुका है गुरु, गुरु हमारा सूचक है। तो ये है 19 जनवरी तक, आज से 9 दिन तक के लिए है। उसके बाद शनि है तो वो भी हमारा सूचक है। तो अब हम सीधे गोचर में चलते हैं, गोचर में, गोचर में यहाँ सबसे पहले धीमी गति के ग्रह को देखें। राहु सूर्य के नक्षत्र में है, ठीक है, सूर्य तो सूचक नहीं था। फिर शनि को देखें, शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है, वो सूचक है। उसके बाद गुरु को देख लेते हैं, गुरु राहु के नक्षत्र में है, सूचक है। फिर आप शुक्र को ले लीजिए, शुक्र अपने ही नक्षत्र में है, सूचक है। मंगल को देखें, बुध के नक्षत्र में है, सूचक है। और चंद्रमा को देखें, केतु के नक्षत्र में, जो सूचक नहीं है, तो हम उसको दिन से आगे बढ़ाएं अगर तो वो तो बदल जाएगा, है ना, ये शुक्र में आ जाएगा, फिर चंद्र में आ जाएगा, चंद्रमा अपने नक्षत्र में, नहीं, शुक्र में आ गया, शुक्र में आ जाएगा, तो कल ही आ जाएगा। तो इतने सारे ग्रहों में हमें इतने तीन चार, चार के तो मिल गए और चंद्रमा कभी भी सेट हो जाएगा, तो पांच ग्रह के, है ना। तो अब यहां तक तो हो गई स्थिति क्लियर। अब दसवें भाव का उपस्वामी वो कौन था, उसको देखें आप, दस छ, दसवां है शनि, शनि शनि है ना, शनि, और छे का है बुध। तो शनि के गोचर में आप देखें, वो तो अभी चल ही रहा, देखिए ये उपस्वामी के रूप में आ गया बुध, है ना। तो दस का दसवें भाव के उपस्वामी शनि का संबंध चंद्र के साथ होते हुए बुध से भी है, और चंद्रमा छे का भी है। तो यहाँ तो स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि इनको जॉब तो पक्के में जल्दी ही मिलना है, है ना। तो इनको जो लेटर आया कनाडा से, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब और इसमें क्लियर करें तो गोचर में आप देखें तो शनि इस वक्त बुध के साथ जो है लग्न में है, तो उसकी दशम दृष्टि कहाँ पड़ रही है, कर्म भाव पे, कर्म भाव पे। हाँ तो ये बहुत अच्छा हो गया, ये तो ठीक है, ओके ये ठीक हो गया। और छ का था बुध, बुध तो लग्न में ही है ऑलरेडी, ये भी ठीक है, इसको हम अगर बढ़ाएं, पर बुध तो एक राशि में थोड़ा लंबा रहेगा, 19 तारीख तक लें तो 19 तारीख तक तो यहाँ सूर्य भी आ गया, है ना। चलिए अपना इतना हम इसको बता सकते हैं कि 19 तारीख तक का तो इसके पास समय है, इसको जॉब मिल जाएगा। अब चंद्रमा का संबंध जो है, अब चंद्रमा देखिए लग्न का ही सब लाड है, तो चंद्रमा का संबंध 10 से या 6 से हो जाए, है ना। तो अपन 10 से जोड़ें क्योंकि वो कर्म का है, एक छे से जुड़ता है तो सर्विस देता है, छे एक से जुड़ता है तो छे के कार्यकर्तव्य में बहुत सारे चीजें। तो जब छे के सामने लग्न खड़ा हो जाएगा तो रोग ऋण शत्रु वृद्धि में से उसके सामने बीमारी निकल कर, रोग निकल कर आता है। अब हम चंद्रमा को जोड़ देते हैं शनि से, तो गोचर में चलें कि चंद्रमा शनि के नक्षत्र में कब आ रहा है, यहां तक केतु हो गया और आगे बढ़ा लें, ये आ गया, आ गया सर, 18 तारीख को ही आ गया और हम 19 तक का सोच रहे थे, है ना। तो चंद्रमा के समर्थन से गोचर में घटना घटित हो जाएगी, ये हमको बोलेगी। अब ये विदेश में ही है, तो जरा आप नक्षत्र नाड़ी टेबल देखें कि जो केपी की सूचकों को बताती है, यहाँ केतु में 3-9-12, शुक्र में 3-9-12, चंद्र में 3-9-12, गुरु में 3-9-12, शनि में 3-9-12, बुध में 3-9-12, मंगल में भी 3-9-12, यहाँ 3-12। तो इनका जो है ग्रेजुएशन के बाद से ही अभी तक का पूरा समय विदेश में ही कट रहा है और आगे भी विदेश में ही कटेगा, है ना। और अभी आप देखिए सूर्य की दशा चल रही, तो सूर्य की दशा में 4, 8 और 7 आए, तो व्यक्ति को मानसिक परेशानी भी रहेगी,
है ना, और एक्सीडेंट से भी सावधान रहना है क्योंकि लगने के लिए 4-8 नेगेटिव हो गए। लेकिन भक्ति स्वामी राहु को आप देखेंगे तो 2-3-12-1-2-11 ये धन के लिए अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, ये बढ़िया हो गया है ना। अब भक्ति इनको गुरु की है तो उसमें हम देख रहे हैं कि 5-9 के साथ 6 भी आ गया और 3-9-12 का कनेक्शन भी, तो विदेश में जॉब के योग बनते हैं। अब उसमें भी अच्छा कब हो जाएगा, जब शनि लग जाएगा इनको 19 तारीख से, तो शनि के पास 2-6-11 का क्लियर कट है ना, सूचक सिग्निफिकेटर मिल रहे हैं 2-6-11 के साथ, 5-9 भी मिल रहा है, मतलब पुरानी सर्विस से त्याग पत्र देते हुए नई सर्विस को ज्वाइन करना, तो ये इनके लिए बढ़िया हो गया। तो सर इसमें और 11 जुड़ रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जॉब ज्वाइन जो करेंगे उसमें हाँ, प्रॉफिट में जाएंगे। हाँ तो विदेश में है तो अच्छा जॉब में है, तो ऑलरेडी HR है ये, और इतने समय से बाहर है। अब वहां दुबई में क्या कुछ कंपनियां बंद हो रही हैं, तो इन्होंने पहले ही उस लेटर डाल दिया, कनाडा में अप्लाई कर रखा था। नहीं कई बार ऐसा रहता है ना सर, जॉब अगर नहीं है तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि ठीक है अभी नहीं है, जो मिल रहा है भले प्रॉफिट जो करंट पैकेज से कम पे भी लोग हाँ, अगर वो जॉब वही चल रहा है तो। अगर ऐसे में व्यक्ति पूछता है प्रश्न के ऊपर है कि क्या मैं हाँ, दूसरा हाँ, जॉब देखूं, तो उसकी हाँ, दशा भुक्ति अंतर में जब 2-6-11 के साथ या 6-11 के साथ 5 और 9 प्रकट हो जाएंगे तो दूसरा जॉब बनेगा, नहीं तो वर्तमान जॉब में पहले तो नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। तो आने वाले इनके कहीं पर भी देखिए 5 इसमें देखें तो गुरु राहु अच्छा है, इनको लंबा चलना ही है, उसके बाद गुरु लग जाएगा, गुरु में भी इनको जो है 5 भी सर इनका बहुत ऑपरेट है। हाँ तो वो अथा धन का भाव भी है, तो इनका सैलरी पैकेज भी बढ़िया है, इस प्रकार से इनका है सब अच्छा। चलिए और अब किसी का जॉब के